ਸੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਬੱਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਵੈਸੇ ਆ ਬੈਗ ਤੋਂ ਲਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਵਾਂ ਸੇ ਫੂਡ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਚਲਤੇ ਹੈ चश्मा तो माशाल्लाह दूसरा देख रहा हूँ चश्मा है जो आप कह रहे हैं आपने बनवाना है तो आपने मुझे दे दिया। अच्छा ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम है इसमें लेकिन मैं ना डलूँ क्योंकि देखें ये इतना अच्छा इतनी अच्छी कंपनी है और उसको मैं लेंस इसके जाया करूँ ये मैं लाया तो लाइबा ने कि लाइबा बार बार कहे कि पापा इसमें आप इसमें डलवा लो लेकिन आपको पता है इसका नाम और ये कंपनी का नाम भी पता होना चाहिए तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें अपना आई सन अपनी आई नहीं नहीं ये अब ये पहनो ये आजा 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 जल्दी लेफ्ट फ्लूड मैंने पढ़ा दे ये तो मज़ नहीं आपने सारा इसमें डाल दिया हाँ तो मैंने कहा ले जाओ ना भी वहाँ बच्चे हैं छोटे हाँ बच्चे हैं ना कुछ होते हैं बच्चे खाते हैं तो चलें जा रही हूँ मैं क्योंकि अपनी छोटी बहन की कल वहाँ पे कुछ कर नहीं सके ब्लॉग ज़्यादा इस वजह से कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी राया की तो अब मैं बड़ी बाजी को पिक करूँगी और फिर छोटी सिस्टर के घर जाऊँगी सबसे बड़ी वाली को पिक करना और सबसे छोटी वाली के पास जाना हाँ, सही चलो सब तरीके ना जाओ हाँ ख्याल ना इतों की तो मेरे गाड़ी ना कभी पही आते ना सुनो पर ये लोगों को पता लग जाए कि कार में आगे क्यों खड़ी करता हूँ और पीछे क्यों पीछे करता हूँ दरवाजा आ जाता है आगे इसलिए कि ये स्लोप है ये देखिए यहाँ से कितना बड़ा स्टेप है चलो जी चलो देर जल्दी दुपट्टा का चुकला अपना ठीक चले जी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं जा रहे हैं ना आसानी होगी दिनों दिन हाँ बड़ी बाजी को पिक करेंगे और जाएंगे छोटी बाजी के घर छोटी बहन के घर आप कहेंगे आंटी यही करती रहती है और तो कोई काम नहीं बड़ी छोटी छोटी बड़ी बीच वाली नंबर दो नंबर तीन नंबर सात कोई जो भी यही बस एक गर्दान चल रही तो आपने देखना है ना आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर दरवाजा अगर आपने नहीं देखना तो बता दे तो मैं नहीं करूँगी मेनू कह रही नहीं अपने व्यूअर्स को कह रही मैं समझ रहा किसी मेनू कह रही मैं नहीं आपको नहीं कह रही आपको नहीं कह रही मैं तेनू देख लूं वही बहुत है चल आ जा आ जा यार कलर में सब क्या हो गया इसको चले जा रहे हैं बाजी को लेने को बाजी को लेके आएंगे बाजी आ गई बाजी पहुंच गई अच्छा वो गाड़ी अंदर तक नहीं जाती चले जा माशाल्लाह खुला दरवाजा बाजी बाजी अम्मू बाजी ने मैं मुंह नहीं दिखाऊं अपना नहीं बाजी का मुंह नहीं देखता बाजी का मुंह नहीं आता कोई गल अस्सलाम वालेकुम चले चले आ जा यादगार 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 तस्वीरें नहीं सर हाँ। यादगार है ना ये तो बाजी मैं भेजदा थोड़े वाल तुसी फौरन इन वापस मोड़ दंदे हो जब को चार दिन इन रख लिया करो ने यार तेरे वजह से जरूरी नहीं लगता दो चार दिन तेन रखो ना अपने मैं तो फॉलो करता मकसूद का भी प्लान है कई अक्सर कहना कहना यार मेरा भी हम ब्याह कराओ दे मैं क्या चलो ओदा कराइए फिर तुसी मेरे वास्ते मकसूद भाई यार माशाल्लाह सेहतमंद है कोई दवाई नहीं खाते अल्लाह का शुक्र है शुगर शुगर ना ब्लड प्रेशर ना देना ना देना वॉक ही नहीं करते इतना नहीं मेहनत ही है तो इस हार्ड कम के और टाइम पे यही नमाज पढ़ने आते हैं हां माशाल्लाह यही है माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे उसके से सारी दवाई लगता है मैं खा डेढ़ सौ तो खानदान दो सौ तो मिल के सारे बच्चे मिला लो तो मिला लो जासूसी जी चौबी घंटे कर दे मैं सब पता मैं इदा की गलती नहीं करनी मैं शहर का भी ख्वाब देखना छड़ता दूजे शहर का भी ख्वाब छड़ता पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान मेरे बहन भाई भांजे भतीजे
भतीजी हैं, लेकिन सब्सक्राइबर तो पूरी दुनिया में फैले हैं, आप कहीं पे भी ये नहीं कर सकते। अब मसला दूसरा है, एक और मसला हो गया, और किसी के नाल भी जड़ा वा वह बंदा तुर नहीं सकता, पता है जिन्हें भी किसी ने देखा उन्होंने सीधी बना के फोटो तो भेज देना आसपास, उन्होंने कहना ये अंकल किधर घूम रहे थे। इस करके मैं तो बहुत ही एहतियात करता, और जिन्हें किसी ने बेचारी ने कभी फोटो खिंचाने आता ना भाजी जाने ना कि माल मूल बेचारे जो फॉलोअर लड़कियां औरतों वो फटा, तो मैं उन्होंने कहना हूं दबा दब फोटो मेरे नाल खिंच के पासे हो जाओ। मैं क्या ये ना हो कि आसमान देख लगे उन्होंने पता लग जाए, या कोई दूजा बंदा वो फोटो बना के उन्होंने भेज दे कि अंकल कि खड़ा, वो अंकल तो बेचारा तस्वीर बनवा रहा जो रिक्वेस्ट के उत्ते चलो बना लो कोई गल, लेकिन मैं उन्होंने कहना दबा दब तस्वीर बना के बस पासे हो जाओ मैनू जान दो। बाजी तो सही पढ़ती है जैद को, बाल तो सिर तेरे अगे नहीं रहे, बाजी कहती है ख्वाब छड़ दे होने के तेरे दूसरा ब्याह होना। अचारी गोश्त बनाया सायरा ने, आज बिरयानी बनाई है, बच्चे रो रहे हैं आपको आवाज आ रही होगी, रोटी है, और अब हम करेंगे इसको टेस्ट टेस्ट। तो खाऊं नहीं क्या? चले ये बिरयानी बनाई है सायरा ने, उसमें डाला है बीफ, और बीफ की बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसने बनाई है सेला में, आपको पता मुझे पसंद है बासमती राइस, मैं खाती हूँ बासमती राइस, चाहे वो बिरयानी हो कुछ भी हो मैं बासमती डालती हूँ, लेकिन आज ट्राई करेंगे सेला राइस। और अगर आपको पसंद नहीं है हाथ से खाना, आपको पता है कि मैं तो हाथ से ही खाना खाती हूँ, तो अगर आपको पसंद नहीं है हाथ से खाना तो आप मुंह आंखें बंद कर लें। जबरदस्त बनी है माशाल्लाह बिरयानी, और सेला चावल भी महसूस हो रहा है, सेला चावल है लेकिन सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम है, जैसे खड़े होते हैं ना कई दफा तो खाए भी नहीं जाते, तो बिल्कुल नरम है गले में। गुड जॉब सायरा। चले जी ये देखें वॉल्स की आइसक्रीम खा रहे हैं, आज कोई देसी मीठा नहीं है, आज हमने कहा आइसक्रीम खाते हैं, है ना बाजी, मजे मजे की आइसक्रीम। चले ये कौन सा फ्लेवर कौन सा भाई? वनीला पिस्ता है, ये पिस्ता क्यों पिस्ता? वनीला है, वनीला मजेदार। संभर तू इतनी देर बनाएगी मैं खाऊं पूरी। अस्सलाम वालेकुम, आज सेम दिन है जिसमें हम बाजी के साथ आई थी, बाजी तो घर वापस चली गई क्योंकि वो थक गई थी, हम आए हुए पूरी फैमिली के साथ, सब बहन भाई तो नहीं है बच्चे उनके, और यहाँ पे आए हैं शाह समथिंग है होटल का नाम, शाह पंप, मैं पेट्रोल पंप कह देती हूँ तो ये लोग हंसते हैं, तो शाह पंप पे हम आए हुए, कढ़ाई इनकी मैंने खैर पहले भी बहुत दफ़ा खाई है, लेकिन चले आज आपके साथ टेस्ट टेस्ट करेंगे, तो आप स्टे ट्यून रहे। ये रायता है, ये रोटियां है, सैलेड है, और ये दो कढ़ाई है, डिफरेंट है कि सेम है कढ़ाई? सेम है, सेम है दोनों। क्या है कढ़ाई, कौन सी कढ़ाई है? नहीं कौन सी कढ़ाई आप डालो एक मिनट खाला, मैं थोड़ा सा जूम करके सिर्फ आपको ले आऊं, लाना भी आ रही है जैसे ले लेना थोड़ी सी उधर हो जाओ ना। एक मिनट अब ये चम्मच चले, आप देखें कि अब ये कढ़ाई मजेदार किस्म की हम खाएंगे। ये देखें, और साथ में ये नान है कि रोटी है? नान है ना सर? हाँ नान है, और मुझे पता है इनकी कढ़ाई बहुत मशहूर है, और यहाँ मेरे को खास में स्पेशली, तो इसको
हम ट्राई करते हैं, गर्म है थोड़ी सी। कैसी लगी जिस चीज़ने डराए की? अंबर कैसी है? संबर कैसी? मजे की। वाह, इसका एक अपना ही टेस्ट है, फ्लेवर है। होटल बहुत ही, अगर आप मेरे को पास है तो जरूर ट्राई करें इस कढ़ाई को। यानी अब मैं खाना खा लूँ फिर बाद में वापस आता हूँ। नज़ारा देख लें, बहुत ज़्यादा दिखा नहीं सकती आप लोगों को, बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि फैमिलीज बैठी हुई हैं, आउटडोर हैं और अपना मास्क पहना हुआ है, खाना खा लिया दोबारा मास्क पहन लिया और उसके बाद अब हम जाएंगे दोबारा घर। पहले मुझे था कि जैद यहाँ से पिक कर लें, लेकिन अब घर जाएंगे, वहाँ पे पियेंगे चाय, चाय पी के फिर घर चले जाएंगे। तो वैसे तो आपको पता ही है कितने दिन से मैं सायरा के घर आ रही हूँ, वहीं से खाना खा रही हूँ, लेकिन आज स्पेशली उसने बाहर ला के हमारी दावत की, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रोज़ ही उसके घर से तो खा रहे हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमें घर पे लेके आए और घर से बाहर लेके जाए और खाना खिलाए। चलो शुक्रिया सायरा बहुत बहुत। पक्का पाकिस्तानी जो टाइम शुरू हुई है पहली तारीख राती वो तो गल हो गई पूरे सही टाइम से, इसे करके मैं की मैं कहता ना उस टाइम तक इन नींद आ जाए या सुती हो तो कॉल ना लगे तो वही गल हुई हूँ मेरे ख्याल शायद सौ गई। चलो ठीक तो है, मैसेज तो फिर भी छोड़ सकता है ना। चलो छोड़ो मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरी तरह। अच्छा आप लिख रहे हैं वैसे भी? हाँ उसको अभी पूरे बज गए ना। केक बना देता हूँ, केक ठीक है तो एक शॉर्ट वोट पूरे पूरे रात के 12 बजे वहाँ तो हैप्पी बर्थडे भी। चलिए जी सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन, अभी मेरे ख्याल 9:30 हुए हैं और हमने कहा जल्दी जल्दी हलवा पूरी पे पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि वो बंद कर सके, बंद भी कर देते होंगे ना सर। तो खत्म हो जाता है लेकिन अभी इतनी बजे तक होता, 11 बजे तक तो होता है। अच्छा 11 बजे अभी तो 10 बजे 9-10 बज गए। ठीक है तो हमने कहा कि चाय और फटाफट, क्योंकि अभी बच्चे उठ रहे हैं जाग रहे हैं तो आधा घंटा चले नाश्ता लेट भी हो जाएगा तो कोई नहीं, मैंने कहा चलो फन का फन हो जाएगा, आप भी देख लेंगे कि हमने पाकिस्तान में लायबा की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की। क्योंकि आपको अगर आप लायबा को लाजमी है मुझे पता है लायबा को फॉलो करते होंगे तो लायबा हेट कटिंग केक, वो उसको पसंद ही नहीं है केक काटना शुरू से। अगर मैं आपको उसकी बचपन की तस्वीर दिखाऊंगी ना तो आप देखेंगे कि उसमें भी उसने मुंह ही बनाया हुआ है, हमेशा उसका मुंह बना हुआ है कि मुझे केक नहीं काटना। तो हमने कहा चलो लायबा से नहीं कटवाते, बच्चों से कटवाते हैं, वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमें भी खुशी मिल जाएगी। नहीं सर हाँ जैद वो कब से खुली हुई है शॉप वहाँ पे प्रॉफिट की? तकरीबन 1 साल का मेरा ख्याल हुआ इसको। हाँ इसीलिए ज्यादा लोग नहीं अभी वो पता नहीं, नहीं लोग तो बहुत होते हैं। अच्छा अपनी वर्डिंग तुम दे देती हो, ज्यादा लोग क्यों नहीं अभी देखना जाके? नहीं लोगों की भी नहीं, मैं कह रही हूँ ज्यादा लोगों को नहीं पता, जैसे यहाँ पे मेरे को खास में रहती है मेरी सिस्टर उसको भी नहीं पता, ये कह रही हूँ वो सिस्टर को कभी बाहर खाया हो तो पता हो। वैसे आप मेरे ब्लॉग में खुदा के लिए सड़े लहजे में बात नहीं किया था, यू लुक लाइक अ बुड्ढा कूसर जो होता है ना वो क्रैंकी बुड्ढा वो लगते हैं। पार्किंग की बड़ी इशू है यहाँ पे, हालांकि अभी सुबह सुबह का टाइम है लेकिन रश है यहाँ पे और यहाँ पार्क करूंगा यहाँ, हम रात को भी गाड़ी खड़ी करते हैं। वो जैद जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से लेंगे मेरे ख्याल हलवा पूरी और इस शॉप से लेंगे पराठे, इनके ऊपर देखे पराठों का डिफरेंट तरीकों के बने हुए नजर भी आ रहे हैं इनके उसमें, तो चले टेस्ट टेस्ट करवाएंगे सिस्टर्स को। मेरे ख्याल अब जा रहे हैं वो फ्रूट लेने या क्या कर रहे हैं समझ से बाहर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जैद क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे लग रहा है मास्क भूल गए, कोई जगह नहीं दे रहा जैद को। दूर से ही ऑर्डर कर रहे हैं, मेरे ख्याल मास्क नहीं था।
क्या कर रहे हैं? डब्बे पैक करते आप जाती है, ले लिए ना, करीब ही है ना एमडी वाले। अच्छा आपने, आपको पता है आप मास्क नहीं पहना हुआ था आपने? ओए यार ये भी अजीब नवी मुसीबत है, मास्क तो मेरे को होगा पर मैं वही कह रही, मैं इशारे भी कर रही थी आपको यहाँ से। जब तक वो पराठे बना रहा 10-15 मिनट लगे, हम ये ले ले, टाइम बच जाएगा ना। पहले तो मैं पैदल जा रहा था। अच्छा मैं वही सोच रही हूँ कि आप कर क्या रहे हैं, यूं कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, इशारों की जबान मुझे तो समझ में नहीं आती। देखे केक यहाँ से लेना तो हम यहाँ आ जाते। अच्छा केक यहाँ से, अब ये बच्चे करीब तो उनको भगा देना, ये बच्चे यहाँ खड़े नहीं होने देते। एमडी की स्वीट्स एंड बेकरी है वहाँ। हाँ ये है सर, तो मैं पहले वो लेती हूँ, आप ये ले जाए साथ, वहाँ पे थोड़ा सा बना दे, केक बना दे। नहीं जैद पे कर रहे हैं, हमने पूरियां और केक पिक कर लिया है। जैद को भूल गया था व्लॉग करना, लेकिन अब ये मोहम्मदी के ऑनर से मेरे पास ये क्या पिक कर रहा है। ऑनेस्टली मैं खुद कंफ्यूज हूँ कहाँ से क्या पिक कर रहा है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा जैद क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल यहाँ से पराठे हैं। अच्छा ये दुकान जो, ये पूरी एक है, ये दो नहीं है, ये एक ही है मोहम्मदी काउंटर कॉर्नर जो है ना, मतलब एक ही है ये जहाँ पे ये। भागम दौड़ होगी, भागम दौड़। हाँ दूसरा सुबह का जरा रश है ना, हर कोई नाश्ता कर रहा है। हाँ। अब ये सब कोई ऐसे लक्की थोड़ी है जिनकी बेगमा तुम्हारे जैसी नाश्ता पका के फिर शोर को आवाज नहीं आ जाओ खा लो, यहाँ सब बाहर से खाते हैं। ये तो आपको उलट कहना चाहिए, किसी को नाश्ता मिलता नहीं है, सारे बाहर से खा रहे। तुम देखो ये ट्रेंड कितना यहाँ मजा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे घर में कोई नाश्ता करता ही नहीं है, ये 50 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। सही बात, वो तो मैं लकी हूँ, मुझे बना बनाया मिल जाता है। पता नहीं आप लकी हैं कि मैं लकी हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए झूठ बोलते रहो। क्या जा रहा है किसी का। अरे सब सो रहे हैं क्या अभी तक? मैं नाश्ता लेके आ गई, केक भी लेके आ गई। उठो उठो, दादा की बर्थडे है, उठो सब, उठो सब, उठो सब, उठो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आया आयशा, मेरे ज़ेना, उठो। नीचे भी जाना है ऊपर। ये देखिए इस पे लिखा है लाइबा हैप्पी बर्थडे। चलिए जी नाश्ता गया है रहा है, आप इसको उसमें निकाल लो। एक ही चीज़ें भी चलेगी। नाश्ता हो गया सेट, पूरे हैं, हलवा है, पराठे हैं, और अब सबसे पहले केक काटेंगे फिर उसके बाद करेंगे। रहमत है और ये काटेगी लाइबा का केक। ना लाइबा को तो पसंद नहीं है केक काटना, आप काटो हैप्पी बर्थडे आपकी। केक काटने के लिए तो हम लाइबा का केक काटेंगे। क्या कहेंगे। चलो चलो अब हो गया है सब कुछ रेडी, अब हम खाएंगे नाश्ता, करेंगे केक खाएंगे,